आज से अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कि 1 अगस्त 2023 से देश में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। पहला है, अब से ITR भरने के लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्स पेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। दूसरा, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए घट गई। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी 1 अगस्त से कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 100 रुपए घटाए हैं। वहीं घरेलू यानी 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। तीसरा बदलाव है कि तेल कंपनियों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों में 7,728 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस महीने यानी 14 अगस्त तक बैंक बंद रहेंगे। रक्षाबंधन, मुहर्रम और कई अन्य त्योहारों के कारण अनेक राज्यों में कुल 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा और साथ ही 2,000 के नोट भी नहीं बदले जाएंगे।